दिल्ली जाकर योगी की शिकायत मोदी से की तो खैर नहीं होगी। अब यूपी में योगी से टकराए तो फिर मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। लोकसभा चुनाव तक छुट्टी सबकी रद्द है। मनमानी अब किसी की नहीं चलेगी। कहानी कोई नहीं बना पाएगा। मोदी के पास योगी की शिकायत लेकर कोई नहीं जाएगा। अब सचिव रिपोर्ट नहीं, योगी के सामने मंत्री खुद रिपोर्ट रखेंगे। मोदी को जिताना है तो यूपी में योगी ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे मंत्रियों की हालत खस्ता हो जाएगी। मंत्री बनने के बाद वजन बढ़ा तो समझो वो अगले 3 साल बाद मंत्रिमंडल से बाहर होगा। ऐसी सख्त प्लानिंग जैसी मोदी की होती है। दरअसल इसके पीछे कारण है, योगी आदित्यनाथ को जब पिछली बार पार्टी ने सीएम बनाया था तो कई सीनियर मंत्रियों ने दिल्ली में जाकर बड़े नेताओं के कान भरे थे और योगी को एक कमजोर नेता बताया था। लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया, अगर योगी न होते तो यूपी का चुनाव मोदी के नाम पर भी पार्टी हार जाती। इसलिए योगी अब अपनी ताकत को समझ चुके हैं और मंत्रियों को इसका इशारा मिल चुका है। जैसे दिल्ली गए, चक्रव्यूह रचा, शिकायत की खबर मिलते ही एक्शन हो जाएगा। जनता के काम से भागे, काम में देरी हुई, काम टाला गया तो फिर एक्शन पक्का। जो योगी की बात नहीं सुनेगा वो पक्का जाएगा, बड़ा नेता हो या छोटा हो। इस बार मोदी या शाह योगी के काम के बीच नहीं आएंगे तो समझिए क्यों। कई मंत्रियों की प्रोफाइल चेक की तो पता चला वो योगी योगी करने लगे हैं। ये तस्वीर देखिए, मोदी के सबसे खास रहे पूर्व अधिकारी एके शर्मा की है। फिलहाल ये योगी सरकार में मंत्री हैं। काम संभालते ही उन्होंने पहले योगी का नाम लिखा, फिर मोदी का नाम लिखा। चुनाव से पहले तक कई मामलों में एके शर्मा पहले मोदी का नाम लिखते, फिर पार्टी का, फिर यूपी सरकार, और कई बार योगी को भूल जाते। लेकिन अब देखिए हालात कितने बदल गए हैं। उन्होंने लिखा, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के विभागों के मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित भाजपा नेतृत्व, कार्यकर्ताओं एवं जनता का आभार। ये हाल सिर्फ एके शर्मा का ही नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्विटर पर साफ लिखा कि योगी जी के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जल शक्ति मंत्रालय के दायित्व के लिए मैं राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी के मिशन और विजन के अनुसार कार्य करते हुए आम जनमानस का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। ऐसा लिखने वाले एक दो मंत्री नहीं है, बल्कि ज्यादातर मंत्रियों ने ऐसा लिखा है। अगर किसी ने नहीं लिखा तो उसके लिए ऊपर से आदेश आ गया कि मोदी को नहीं योगी को रिपोर्ट करो। लखनऊ से बाहर जाने वाले मंत्रियों को सीएम से छुट्टी लेनी होगी, पार्टी को जानकारी देनी होगी, मंत्रियों का दौरा सरकारी हो या निजी कारण बताना होगा। दिल्ली दरबार में हाजिरी अब मुश्किल है। 100 दिन में विभाग के कामकाज की समीक्षा करें, रिपोर्ट तैयार करें, मंत्री ही सीएम को रिपोर्ट दें। जैसे पीएम मोदी दिल्ली में मंत्रियों से सवाल करते हैं, योगी भी हर रिपोर्ट पर सवाल जवाब करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय होगी, उनकी अलग से क्लास लगेगी। मंत्रियों को पुराना स्टाफ रखने की छूट नहीं मिलेगी, निजी स्टाफ की स्क्रूटनी सीएम दफ्तर से होगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, फिजूल खर्ची पर पूरी नकेल रहेगी, नया फर्नीचर नहीं रेनोवेशन पर रोक। दरअसल बीजेपी की एक समस्या है, वोट मोदी योगी के नाम पर मिला है। ऐसे में कई नेता, विधायक और मंत्री आराम करते हैं। उन्हें लगता है मोदी योगी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे और वो जनता का काम नहीं करते। ऐसे में बीजेपी ने यह प्लानिंग बनाई है कि बहाना बनाने से अच्छा होगा योगी को रिपोर्ट करो, और अगर जयचंद बनने की कोशिश की तो सत्ता से जाएंगे, मंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। क्योंकि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आपने देखा जो कहते थे मैं मोदी का करीबी हूं और मोदी जी मुझे आगे बढ़ाएंगे, उनका काम अच्छा नहीं होने पर मोदी ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये बात सिर्फ यूपी की नहीं है, बल्कि मोदी ने खुद की कैबिनेट में भी ये वाला प्रयोग किया था जो सफल रहा। अब मंत्रियों के मन में डर है कि ना करेंगे काम तो ना मिलेगा पार्टी में पद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।